यहां स्वतंत्रता दिवस के लिए एक मंच संचालन स्क्रिप्ट प्रस्तुत की जा रही है। इस स्क्रिप्ट में कार्यक्रम का आरंभ, मध्य और अंत के लिए विभिन्न हिस्से शामिल हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं स्क्रिप्ट की ओर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस पावन अवसर पर, जब हम अपने महान देश के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, मैं अमन मल्होत्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी के लिए यह दिन बहुत ही गौरवशाली है, क्योंकि यह हमारे उन वीर सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें स्वतंत्रता दिलाई। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब खड़े होकर हमारे राष्ट्रगान को गाएं। धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि श्री गौरव कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब हम सभी के सामने हमारे विद्यालय के छात्र देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये प्रस्तुति सचमुच मन को छू लेने वाली थी। अब हम सुनेंगे अभिजीत से एक देशभक्ति कविता जो हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की याद दिलाएगी। बहुत खूब, कविता ने सचमुच हमें गर्व और सम्मान का अनुभव कराया। अब मैं शालिनी से निवेदन करता हूं कि वे एक भाषण दें जिसमें वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और उनके बलिदानों के बारे में बताएंगी। धन्यवाद शालिनी, आपका भाषण बहुत ही प्रेरणादायक था। अब हम सभी के मनोरंजन के लिए हमारे विद्यालय के छात्र एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है भारत की स्वतंत्रता यात्रा। वाह, यह नृत्य नाटिका बहुत ही शानदार थी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। कार्यक्रम के इस चरण में मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री गौरव कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे बीच अपने विचार साझा करें। धन्यवाद गौरव जी, आपके प्रेरणादायक शब्द हमें हमेशा याद रहेंगे। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब खड़े होकर वंदे मातरम गाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।